अच्छा मिनट में जो है ना, हम अपना जो होस्टिंग सर्वर है उसका बैकअप उठा के, जैसे स्लाइस होस्टिंग है ठीक है, आप सिंपल जहाँ तो कैसे कर सकते हो कि इसका बैकअप उठा के आप इसमें कैसे डाल सकते हो, या फिर आप SMP का अपना बैकअप उठा के किसी और सर्वर में कैसे डाल सकते हो, या फिर अपने अर्टनोस का बैकअप उठा के आप किसी भी होस्टिंग सर्वर में कैसे डाल सकते हो ठीक है। ये सारा मैं आज की वीडियो में बताऊंगा और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो स्किप बिल्कुल मत करना। और एक और बात मैं बता दूं कि हाँ, अर्टनोस से इधर बैकअप आ जाएगा, पर हमारा जो होस्टिंग सर्वर में जो है ये बैकअप होगा ना, वो हम अर्टनोस पे नहीं डाल सकते। मैंने ट्राई करके देखा, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन फिर भी अभी चेक करता रहूंगा, अगर तो कोई तरीका मिला डालने का तो मैं बता दूंगा, वरना इसका कोई हल नहीं है ठीक है। एक और बात बता दूं, डिस्कॉर्ड लाजमी से मेरा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है गिव अवे चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 30 दिसंबर तक गिव अवे जो है ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लाइव स्टील SMP का पूरा सेटअप दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा वो कैसा सेटअप है। डिस्कॉर्ड लाजमी से ज्वाइन करके और इसमें पार्टिसिपेट लाजमी से कर लेना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना बैकअप कैसे जो है क्रिएट करके डाउनलोड कर सकते हो अपने होस्टिंग सर्वर का ठीक है। आपने यहाँ पे जाना है बैकअप पे, यहाँ पे आपको ना क्रिएट बैकअप का मिलेगा, वहाँ पे सिंपल नाम लेके और बैकअप क्रिएट कर लो ठीक है। क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पे 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप डाउनलोड कर लेना ठीक है। ओके, तो अब बारी आती है कि आप किसी भी जो है सर्वर का जो बैकअप उठा के किसी और सर्वर में आप कैसे डाल सकते हो ठीक है। ये SMP सर्वर जो है किसी और होस्टिंग सर्वर में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, बैकअप क्रिएट करो, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो है दूसरे होस्टिंग सर्वर पे जाओ और वहाँ पे जाने के बाद अपना बैकअप की जो जिप फाइल है उसको यहाँ पे ड्रैग करने के बाद जो है उस फाइल पे राइट क्लिक करना है और अनअचीव का आपको ऑप्शन मिलेगा, अनअचीव आपने कर देना ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड होगा, जितना बड़ा आपका सर्वर होगा तो हो सकता है टाइम कुछ ज्यादा लगे, तो आपने बिल्कुल भी जो है वेबसाइट को ना आपने मिनिमाइज करना, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही यहाँ सामने लगे रहने देना, काफी टाइम लगेगा। होने के बाद जो है फिर उसके बाद आपका सर्वर हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, सर्वर को सिर्फ स्टार्ट कर देना। और हाँ, मेक श्योर चेक कर लेना आपका जो है स्टार्टअप पे जाकर देख लेना, आपने जिस सर्वर का बैकअप डाला है ना तो वो उनसे वर्जन का है, वो भी आपने स्टार्टअप पे आकर यहाँ पे भी वही वाला वर्जन कर देना ठीक है। और सिंपल जो है कंसोल में जाकर आप सिंपल स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करने के बाद जो है आपका सर्वर वर्क कर जाएगा। लेकिन आज यहाँ पे खत्म नहीं होती, एक और इशू है कि यार ये हो तो जाता है लेकिन कभी कभार फाइल जो है ना सही से चल नहीं पाती, तो मैं एक और मेथड बताऊंगा कि अगर आपका इस तरीके से जो है सर्वर नहीं चलता तो आप दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो ठीक है। सिंपल आप क्या करो, एक नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट करके एक दफा स्टार्ट करके और पूरा प्रॉपर जो जब स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद फिर आपने सर्वर को जो है स्टॉप कर देना ठीक है। स्टॉप करने के बाद फाइल्स में जाना, फाइल्स में जाने के बाद आप देख सकते हो ये सारी फाइलें जो है आपके पास जनरेट हो जाएंगी ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने जोन से भी बैकअप जो है दूसरे होस्टिंग सर्वर में डालना है। आपने सिंपल क्या करना है, उसमें आपने फाइल्स में आना है, फाइल्स में आने के बाद जो है ना आपने अलग से बैकअप जो है डाउनलोड करना है ठीक है। आपने वो वाला बैकअप नहीं करना है यहाँ से जो डाउनलोड किया है, आपने जो है दूसरे तरीके का डाउनलोड करना है। आपने फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपने जो है ना चेक कर लेना कि आपने किस किस फोल्डर को एडिट किया हुआ है। लाइक मैंने कॉन्फिग को यहाँ पे एडिट किया हुआ है और यहाँ पे प्लगइन्स को मैंने एडिट किया हुआ है ठीक है, और साथ साथ मैंने जो है यहाँ पे सर्वर प्रॉपर्टीज को भी मैंने एडिट किया हुआ है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे उन फाइलों को सिलेक्ट कर लेना ठीक है। लाइक मैंने कॉन्फिग को एडिट किया था, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और प्लगइन्स वगैरह भी हैं ठीक है, प्लगइन्स को सिलेक्ट कर लूंगा और जितने भी वर्ल्ड हैं मेरे वर्ल्ड है ठीक है, आपने उन वर्ल्ड को भी सिलेक्ट कर लेना ठीक है। मैं यहाँ पे अपने वर्ल्ड्स को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद जो मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद जो है ये भी मेरी लेदर से एक मैंने फाइल डाली थी ठीक है, उस फाइल को भी सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जो है सर्वर प्रॉपर्टीज को भी सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैंने इसको भी जो है मैंने एडिट किया ठीक है। इन फाइल्स को, जिन जिन फाइल्स को आपने एडिट किया है या फिर जो आपने लेदर से अपलोड किए हैं, आपने उन फाइल्स को सिलेक्ट कर लेनी है और प्लगइन्स को भी लाजमी सेलेक्ट कर लेने हैं। और सिलेक्ट करने के बाद जो है ना अब आपने यहाँ पे अचीव पे आपने क्लिक करना है ठीक है। अचीव पे आपने क्लिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे एक जिप फाइल मिल जाएगी, आपने जिप फाइल को सिंपल जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है ठीक है। उसके बाद ये जब तक डाउनलोड हो रही है मैं आपको एक चीज दिखा बता देता हूँ कि आपने जो है ना अब जिस सर्वर में जो है आपने ये अपलोड करना है अपना सर्वर, आपने सिंपल क्या करना है, एक नॉर्मल सा सर्वर क्रिएट करके और स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो है ना फिर आप उसको ऑफ कर देना ठीक है, ताकि सारी फाइल्स जनरेट हो जाए ठीक है। फाइल जनरेट होने के बाद जो है ना अब आपने यहाँ पे देख लेना आपने कौन कौन से फाइल सिलेक्ट करके जो है आपने बैकअप बना के आप डाउनलोड कर रहे हो, तो आपने सिंपल यहाँ पे आके वो वाली फाइल सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देनी है यहाँ से ठीक है। मैंने कॉन्फिग भी डिलीट कर दिया, प्लगइन्स और जितने भी वर्ल्ड थे वर्ल्ड डिलीट कर दिए और यहाँ पे सर्वर प्रॉपर्टीज भी मैंने डिलीट कर दिया हुआ ठीक है। मेरी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, मैं सिंपल इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग करके जो है अपलोड कर लूंगा। जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं आपको फिर से बात बता देता हूँ, आपने सिंपल जो है स्टार्टअप पे जाके अपने वही वाला वर्जन रखना है जिस वर्जन का आप बैकअप यहाँ पे डाल रहे हो, तो आपने सिंपल यहाँ पे वही वाला वर्जन रखना है और सेटिंग में जाके आपने रीइंस्टॉल कर लेना सर्वर ठीक है। उसको फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, अब सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके उसे अनअचीव आपने कर देना है। अगर ज्यादा MB की फाइल है तो फिर टाइम लगेगा और इसको जो है एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। जो फाइल आप देख सकते हो बिल्कुल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और जो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड की थी ना उसे आप सिंपल जो है अब यहाँ पे डिलीट कर दो ठीक है। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सिंपल जो है अब आप देख सकते हो बिल्कुल वर्ल्ड भी अपलोड हो चुके हैं और प्लगइन्स वगैरह भी। अपलोड होने के बाद जो है ना अब सिंपल जो आप कंसोल में जाकर सर्वर को स्टार्ट कर दो, सर्वर को स्टार्ट करने के बाद जो है फिर सर्वर में मिलते हैं।
तो सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सर्वर को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है सर्वर ज्वाइन हो चुका है। देखो यहाँ पे मेरे से लॉगिन का भी मांग रहा है, मैं यहाँ पे लॉगिन अपना कर लेता हूँ। लॉगिन पे भी आपको पुराना वाला पासवर्ड ही मांगेगा जो आपने पहले अपने सर्वर में लगाया हुआ था, ठीक है। तो देख सकते हो बिल्कुल वर्क कर रहा है और यहाँ पे लाइव स्टाइल SMP सर्वर मेरा बन चुका है, ठीक है। हाँ, गिव अवे में पार्टिसिपेट लाजमी से कर लेना, क्योंकि यही वाला लाइव स्टाइल SMP आपको मिलेगा, ठीक है। ये फुल जो है मैंने क्रिएट किया हुआ है, सिंपल यहाँ पे शॉप वगैरह और सब कुछ सारी चीजें वगैरह है। मेरा डिस्कॉर्ड चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और पार्टिसिपेट कर लेना, गिव अवे में आ जाना, ठीक है। गिव अवे तकरीबन मैक्सिमम 2 दिन में खुल जाएगा, 30 दिसंबर को जो है वो गिव अवे खुल जाएगा और आपको ये लाइव स्टाइल SMP का सर्वर मिल जाएगा। और अब आती है लास्ट स्टेप के बारे, और वो है हम अपना अल्टरनोस का सर्वर जो है कैसे ऑनलाइन होस्टिंग सर्वर में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है अपना अल्टरनोस का मेरा हाईपिक्सल का सर्वर है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ मैं अपने स्लाइस होस्टिंग पे। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है फाइल्स में। देखो बैकअप का तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, लेकिन हम बैकअप जो है यहाँ पे इसका डाउनलोड नहीं कर सकते, हमें डाउनलोड का यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना सर्वर जो भी क्रिएट किया है वहाँ पे आपने फाइल्स में जाना है। इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, मैं इसके लिए एक लेटर से सेपरेट वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। आपने सिंपल क्या करना है, फाइल्स में आना है। फाइल्स में आने के बाद आपने जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है जो जो डाउनलोड होने वाले जो आपको मिल रहे हैं ना प्लगइन्स के फोल्डर, आपने सिंपल क्या करना है, सारे प्लगइन्स के जो फोल्डर है ना इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने से पहले ना आपको एक और चीज बता दूं, आप यहाँ पे जो है ना 2-3 फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है। सिंपल मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ प्लगइन्स फोल्डर का, एक और आप यहाँ पे क्रिएट कर लो और उसका नाम दे दो आप प्लगइन्स। 2 फोल्डर आपने बना लेने हैं, ठीक है। बनाने के बाद जो है ना अब आपने क्या करना है, ये जितने भी प्लगइन्स के फोल्डर है इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे फोल्डर जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इन फोल्डर्स को जो है मैं यहाँ पे zip फाइल जो है प्लगइन्स फोल्डर के नाम पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, इसके अंदर डाल दूंगा। इसके अंदर करने के अंदर जो है मूव करने के बाद जो है ना अब आपने जो है सर्वर में आओ और यहाँ पे आपने जितने भी प्लगइन्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, आपने पार्कोर वगैरह जितने भी प्लगइन्स अपलोड किए हैं, जार फाइल जो है, ठीक है। देखो देखो जो हमारी जार फाइल है ना ये तो हम डाउनलोड कर नहीं सकते, तो आपने सिंपल क्या करना है, आप एक काम करो इसके नाम को आप कर लो कॉपी, ठीक है, एक एक करके कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एक नया टैब खोलो, यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे लिख दो प्लगइन्स, ठीक है। सिंपल एंटर करोगे तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी और यहाँ पे आपको प्लगइन मिलेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इन प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपने प्लगइन्स डाले हुए हैं जो जार फाइल है जो प्लगइन्स है, ठीक है, आपने उन सब प्लगइन्स को जो है अलग से सेपरेट से डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट पे नहीं जाना तो आप सिंपल यहाँ पे प्लगइन्स पे भी जाके और जो जो से प्लगइन आपने इंस्टॉल करने हैं वो उस प्लगइन पे आप क्लिक करो या सर्च कर लो। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर इनका लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके और ये वेबसाइट पे ले जाएगा और वहाँ जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये ऐसी वेबसाइट आती है ना तो आपने सिंपल क्या करो, यहाँ पे फाइल्स में जाओ, यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, आप सिंपल 3 लाइंस पे क्लिक करके और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है सारे प्लगइन्स जितने भी मैंने अपलोड किए हुए हैं उन सभी प्लगइन्स को मैं सेपरेट से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। उस प्लगइन्स भी मैंने जो है सारे मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। और अब जो लास्ट हमारा काम रह गया है वर्ल्ड्स का, आपने सिंपल क्या करना है, जो जो वर्ल्ड आपने अपलोड किए हुए हैं सबको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं इनको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैंने वर्ल्ड भी जो है सारे मैंने डाउनलोड कर लिए हैं और कुछ कुछ डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। मैं इन सबको भी जो है एक नया फोल्डर बनाया वर्ल्ड का, इन सबको भी जो है मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, सो टोटल 3 फोल्डर हमारे पास हो चुके हैं, एक है प्लगइन्स और एक है प्लगइन्स के फोल्डर जिनको हमने बनाया हुआ है, एडिट किया हुए हैं, और एक है वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर हमारे जितने भी वर्ल्ड्स यूज हुए हैं वो सारे वर्ल्ड हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पर हमारा अल्टरनोस का काम खत्म हो चुका है, एक किस्म का हमारा जो है अल्टरनोस का बैकअप हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। जिस भी होस्टिंग सर्वर में जाना है आपने सिंपल क्या करना है, उस होस्टिंग सर्वर को ऑन कर लेना है, एक नॉर्मल से सर्वर क्रिएट कर लो। सर्वर क्रिएट करने के बाद जो है उसको स्टार्ट कर दो, और आपने हाँ इस पे मैं बता दूं आपने वर्जन वही वाला रखना है जो आपने अल्टरनोस पे रखा था, 1.20.1 रखा था मैंने, तभी वही रखना हूँ। और सर्वर को रीइंस्टॉल करके बस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एक बार सर्वर को स्टार्ट करके आपने ऑफ कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लगइन्स का फोल्डर, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपनी फाइल खोलनी है, प्लगइन्स में जाना है और जितने भी ये प्लगइन्स है ना आपने इन सब प्लगइन्स को यहाँ पे ड्रैग कर देना है, अपलोड कर देना है। उसमें सारे प्लगइन जो है यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, प्लगइन्स के जो फोल्डर है, ठीक है, वो आपको जिप फाइल में आपको डाउनलोड किए हुए थे, ठीक है। जो प्लगइन्स फोल्डर है ना आपने इन सब प्लगइन्स को यहाँ पे ड्रैग कर देना, ठीक है। प्लगइन्स फोल्डर को यहाँ पे भी अपलोड कर देना है। ओके, तो मेरे फोल्डर्स भी जो है यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस वाला काम है, तो यहाँ पे देख सकते हो जिसके आगे जार लिखा हुआ है ना इसको आप अनचेव नहीं कर सकते, इसको करना भी नहीं है। और यहाँ पे जिसके आगे जार नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे अनअचीव कर देना है, तो इसका फोल्डर जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। फोल्डर बाहर आ जाएगा, जैसे ही फोल्डर जो है बाहर आ जाएगा आपने सिंपल जो है क्या करो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। इसी तरह से जो है ना जिसके आगे जार नहीं लिखा हुआ उन जिप फाइल्स को जो है आपने एक्सट्रैक्ट
ड्रैग करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके चाहे अनअचीव कर दो और सिंपल जो है फिर ये जो अचीव फाइल होगी जिप फाइल इसे फिर बाद में डिलीट कर दो, इसको यहाँ पे साथ साथ डिलीट भी कर दो, ठीक है, ताकि पता लगता रहे कोई मिस्टेक ना हो आप। तो साथ आप ये बेटर आरटीपी है इसको भी अनअचीव करते हैं और साथ साथ जैसे अचीव हो जाएगी फिर जिप फाइल को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जिप फाइल को फिर मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब इसी तरह से जो है ना अपने सारे जिप फाइल जितने भी हैं सबको आपने अनअचीव कर देना है, अनअचीव करने के साथ साथ जो है आपने डिलीट भी करता रहना है अपने जिप फाइल को, ठीक है। गलती से जार को ना डिलीट कर देना, तो आपने जो जिप फाइल को डिलीट कर देना, ठीक है। ये सारा कुछ करके जो है ना फिर मैं आपको मिलता हूँ। कुछ मैंने सारी जिप फाइल जो है मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है, अनअचीव मैंने कर दी है, और उसके बाद जितने भी अब जिप फाइल जो पड़ी हुई है अब इन सबको जो है आपने डिलीट कर देना, ठीक है। जिन जिनके आगे जिप लिखा हुआ है उन सबको जो है डिलीट कर देना सिलेक्ट करके, और आपने सिंपल जो है यहाँ पर डिलीट कर देना है, अपने बैक जाना है। अब आपने करने हैं अपने वर्ल्ड अपलोड, सिंपल मैं यहाँ पे वर्ल्ड्स में जाता हूँ और ये सारे वर्ल्ड जो है मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। कुछ वर्ल्ड भी जो है मेरे सारे अपलोड हो चुके हैं। अब मैं सिंपल जैसे हमने प्लगइन्स को जो है मैंने अनअचीव किया था, तो सिंपल इसी तरह से जो है आपने इनको भी अनअचीव करना है, ठीक है। जितने भी आपके यहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेंगे वर्ल्ड के आपने सबको जो है एक एक करके अनअचीव आपने कर देना है। एक आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अनअचीव करने के बाद जो है फिर इस जिप फाइल को आप साथ साथ डिलीट कर दो, ठीक है। कुछ मेरे जितने भी वर्ल्ड थे मैंने सबको अनअचीव भी कर दिया है, और जितने भी जिप फाइल थी बाद में मैंने इनको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो है ना सर्वर प्रॉपर्टीज में आओ और यहाँ पे जो ऑनलाइन मोड है उनको फॉल्स कर दो, ठीक है, क्योंकि टीम लॉन्चर वाले जो है फिर तभी खेल पाएंगे क्रैक ऑन करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन मोड मिलेगा, आपने सिंपल जो है इसको पुश कर देना है, सेव करो, और सेव करने के बाद अब आपने जाना है कंसोल में। कंसोल में जाने के बाद जो है अब आपने स्टार्ट कर देना है अपने सर्वर को। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब सिंपल जो हम यहाँ से आईपी को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे माइनक्राफ्ट में जाएंगे, ऐड सर्वर करेंगे, और सिंपल जो है यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखो हमारा सर्वर लोड हो चुका है। सिंपल ज्वाइन कर लेते हैं हम इसे, तो आप देख सकते हो ज्वाइन हो चुका है और बिल्कुल वर्क कर रहा है, हमारा पूरा सेटअप जो भी है सब वहीं पे है। तो यहाँ पे लॉगिन करने का बोल रहा है, पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है और बिल्कुल देख सकते हो स्कोर बोर्ड भी हमारा वहीं पे है और सारे एनपीसीज भी लगे हुए हैं। ये मैंने खुद जो है आसपास किए हुए हैं, मैंने अभी सेटअप करना है। तब हम एक काम करते हैं किसी एनपीसी पे क्लिक करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक हम जो है वन वर्सेस वन पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो बिल्कुल वर्क कर रहा है मेरा सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में भी मैं आ चुका हूँ और सभी लोगों का जो डेटा था वो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, ठीक है, प्लेयर्स का। तो यहाँ पे सिंपल मैं स्लैश लोबी करके लोबी चलता हूँ, तो देख सकते हो लोबी भी बिल्कुल वर्क कर रही है। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से जो है आप किसी भी होस्टिंग सर्वर का कैसे बैकअप क्रिएट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, या किसी भी होस्टिंग सर्वर को किसी और सर्वर पे शिफ्ट कैसे कर सकते हो, या फिर एटरनोस का भी आप देख सकते हो कैसे अपने बैकअप को जो है किसी और होस्टिंग सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हो, या होस्टिंग सर्वर से किसी और होस्टिंग सर्वर पर बैकअप कैसे डाल सकते हो। बस मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।